हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हॉस्पिटल सुंगाई बुलोह दिखाऊंगी क्योंकि पिछले दिनों मेरा बेटा साद बहुत बीमार रहा, एक दिन एडमिट भी रहा, एक रात एक दिन। तो अल्लाह का शुक्र है अब वो ठीक है। उसके डिस्चार्ज होने के बाद थोड़ा सा कैप्चर किया था हॉस्पिटल को आप लोगों के लिए, ताकि दिखा सकूं कि यहाँ मलेशिया का हॉस्पिटल और इसका सिस्टम किस तरह से है। तो ये सब जी, तो आज आए हुए हैं अपने छोटे बेटे को बाकी सब लेके हॉस्पिटल सुंगाई बुलोह, कि अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था 2-3 दिन से, तो आज हमने सोचा कि इसको हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाएं। तो ये हॉस्पिटल का मंजर है, कॉरिडोर है, ये पीछे की इस बिल्डिंग है, और ये नीचे का मंजर दिखा देती हूँ हॉस्पिटल का, गार्डन बोले। ओके ओके, ये देखिए ये वार्ड हैं, बहुत सफाई का खास इंतजाम है, बहुत पुरसकून माहौल है, साफ सुथरा। ये साद हैं, गोदी में आने के लिए कह रहे हैं लेकिन उमर ने इनको उठाया हुआ है। ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, और सफाई सुथराई। मेन लॉबी, नाउ वी आर एट हॉस्पिटल सुंगाई बुलोह मेन लॉबी। सिक्योरिटी पर्सन इज अ मेन लॉबी। इंफॉर्मेशन काउंटर इस महाफिर मोहम्मद इज ऑल मेन लॉबी। डेंगी अवेयरनेस अबाउट डेंगी इज द डेंगी द डेंगी मॉस्किटो information, the surrounding areas, all the hospital, very beautiful, very beautiful. The surrounding areas. Level 2, second floor, the ward ways. Our right side is a emergency, and this left side some ward specialist clinics, clinic packers. Specialist clinics. Now today Sunday, holiday. Is the lobby and restaurants. All the restaurants, the guards sitting here. The very good security. Is a cafe, something small restaurant and cafe. The great bakery.
ड्रिंक को कहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स हैं। ये सब इनका नासी जो है वो राइस के लिए है, कुछ अभी बंद भी हैं। ये रोटी एंड बुआ मतलब फ्रूट जूस, बुआ का मतलब होता है, ये अभी बंद है। ये लोग बैठे हुए हैं, ये सब आप देख रहे हैं। ये नासी कंडार, ये रोटी चनाई, माय फेवरेट रोटी चनाई एंड नान आल्सो। ये रोटी चनाई बन रही है, ये उनका सेटअप है सारा। आई पीछे आपको फ्लैट नजर आ रहे हैं, अपार्टमेंट या यहीं के स्टाफ के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। ये सारे नर्सेज और दीगर सारा स्टाफ यहीं पर रिहाइश पजीर होता है। ये बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है। ये दे आर माई स्वीट लविंग एंड वेरी केयरिंग एंड शेयरिंग, कह रही है मत। बहुत खूबसूरत मंजर है, पहाड़ जो सब्जे से भरा हुआ है। ये इस तरफ सनसेट का खूबसूरत मंजर है, सनसेट। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ये राहदारी है, कवर होती हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो हर राहदारी को कवर किया गया होता है।